जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसमें तीन स्टेप्स है, तीन कदम है। क्या है वो? पहला कदम क्या है, दूसरा कदम क्या है, तीसरा कदम क्या है, वो हमारे लिए क्या जरूरी है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज फिर एक बार हमारे परमेश्वर ने हमको जीवन दिया। हमारे परमेश्वर जो है वो एक आज्ञा देने वाले परमेश्वर है, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो अकेले है जो हमको आज्ञा दे सकते। अभी मैं लोगों को अगर आज्ञा दूँ कि झूठ मत बोलो, तो पहले क्या होना चाहिए? मेरे अंदर झूठ नहीं होना चाहिए, तो ही मैं बोल सकता हूँ ना। लेकिन अगर मेरे अंदर झूठ है तो मैं कैसे किसी को आज्ञा दूँ? मैं आज्ञा नहीं दे सकता। तो हमारे परमेश्वर ने तो हमें आज्ञा दी है, इसका मतलब हमारे परमेश्वर वो है जो आज्ञा दे सकते। तो इसलिए बाइबल में जो आज्ञा है वो आज्ञा ऐसी है कि जिन्होंने दी है वो आज्ञा देने के योग्य है, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी है, ऐसे वैसे आज्ञा नहीं दी। और आज्ञा जो है वो तीन तरह से है। एक आज्ञा ऐसी है, पहली, जो इंसान के खुद के लिए है। सबसे पहली आज्ञा इंसान के खुद के लिए है। और एक वचन हम पढ़ते हैं जो है प्रेरितों के काम में और उसका 38। पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर लिखा है बाइबल में कि मन फिराओ, फिर बपतिस्मा लो ताकि आपके पापों की क्षमा मिले, और पापों की क्षमा मिलेगी तो पवित्र आत्मा भी मिल जाएंगे। ये इंसान के खुद के लिए आ गया, पर्सनल आ गया। ये सबसे पहले आ गया इंसान के लिए कि पहली आ गया इंसान को खुद के लिए मानना है, खुद के बचने के लिए, खुद के बचाव के लिए। अगर ये आ गया वो मानता है, वो मन फिराता है, मतलब पश्चाताप करता है, फिर वो बपतिस्मा लेता है, तो प्रभु यीशु का लहू उसके सारे पाप क्षमा करते हैं, और पाप क्षमा होने के कारण वो पवित्र बनता है और पवित्र आत्मा उसको दिए जाते हैं। ये है इंसान के खुद के बचाव के लिए। जब इंसान इतना कर देता है तो इंसान के लिए एक दूसरी आज्ञा आती है, और वो आज्ञा है आगे बढ़ने के लिए। और पहले कुरंथी में ऐसा लिखा है, पहला कुरंथी और उसका पहला वचन, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, मतलब जो पवित्र आत्मा के वरदान है उसकी धुन में रहो, मतलब उसको पाने की धुन में रहो। मतलब कि अब आगे बढ़ो। देखो पहली आज्ञा क्यों है? बचने के लिए। फिर दूसरी आज्ञा वो है कि जो रास्ते पर आप आ गए अब उसमें आगे बढ़ने के लिए। यह आज्ञा भी आपके खुद के लिए एक, लेकिन अभी आगे बढ़ने के लिए। यह आज्ञा कब काम आएगी? कि जब पहले वाली आप पूरी करोगे। तो पहले वाली कौन सी? एक विश्वास करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, पापों की क्षमा पालो और पवित्र आत्मा पालो। इतना जो इंसान कर देता है उसी के लिए ये आज्ञा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, मतलब कि अब आत्मिक वरदानों को पाओ, आगे बढ़ो। फिर ऐसी ही दूसरी आज्ञा है जो है दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और उसका वचन 6। मैं तुझे सुझ दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित करो। अभी देखो तिमोथी को पौलुस कहते हैं कि जो वरदान मैंने तेरे सर के ऊपर हाथ रखा था और तुझे मिल गया था, भावी उसको प्रज्वलित करो, मतलब जलाता रहे,
उसमें से प्रकाश निकलता रहे। मतलब कि परमेश्वर कहना चाहते हैं कि वरदानों का इस्तेमाल कर। पहले इंसान के लिए आज्ञा है कि तू खुद को बचा ले, खुद बच गया तभी दूसरी आज्ञा परमेश्वर की उसके लिए ये है कि अभी बढ़ आगे, वरदानों को प्राप्त कर और वरदानों का इस्तेमाल भी कर। हालेलुया। और उसके बाद तीसरी आज्ञा है, और तीसरी आज्ञा ये है मत्ती उसका 28वां अध्याय, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और जो और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। अभी परमेश्वर ये तीसरी और आखिरी आज्ञा दे रहे कि जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, उनको बपतिस्मा दो और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो उनको मानना सिखाओ। ये हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा के तीन स्टेप्स है। पहला स्टेप्स क्या है? खुद को बचाओ, विश्वास करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, पापों की क्षमा पालो और पवित्र आत्मा पालो। ये खुद के लिए, खुद बचो। ये इंसान कर देता है तो उसके लिए भी दूसरी आज्ञा है, वरदानों की धुन में रहो, प्राप्त करो उसको और उसका इस्तेमाल करो। अभी जिसने ये कर दिया तो उसके लिए अभी तीसरी आज्ञा है कि जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, मतलब कि आत्मा जीतो। हालेलुया। पहली आज्ञा मान लेने के बाद दूसरी है, दूसरी मान लेने के बाद तीसरी है। लेकिन पहली मान लेने के बाद उसको भूलना नहीं है, उसी में चलना है। फिर दूसरी मान लेने के बाद ऐसा नहीं उसको भूल जाना है, उसी में रहना है। और उसके बाद तीसरी आज्ञा जो है उसमें भी लगातार प्रभु यीशु के आने तक बने रहना है। तीनों आज्ञा में हमें बने रहना है। तो कितने स्टेप्स है? तीन स्टेप्स है। पहला खुद को बचाओ, दूसरी बात अब आगे बढ़ो और तीसरी बात क्या है? लोगों को बचाओ। हालेलुया। ये तीन काम हमने कर दिए तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे? स्वर्ग में। हम स्वर्ग में वहाँ पहुँच जाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये तीन आज्ञा दी है। इसको मानो और अपने आप को जांचो कि मैं पहली आज्ञा पर रुक गया हूँ, दूसरी पर रुका हुआ हूँ या तीसरी में चल पड़ा हूँ। इसको ध्यान में रखना। हालेलुया।